और अब कोरोना से जुड़ी 9 बड़ी खबरें कोरोना टॉप 9 में। देश के 46 जिलों में हो रहा कोरोना वायरस का ब्लास्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी टेंशन, आज से 12 शहरों में वीकेंड लॉकडाउन। यूपी में लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा नए केस, मार्च महीने में 170% बढ़ा वायरस, अगले महीने लग सकता है नाइट कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन ने दस्तक दी, आगरा में 3 मरीजों में हुई कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि, मचा हड़कंप। कोरोना का हॉटस्पॉट बना उत्तराखंड का होटल ताज, 48 घंटे के लिए बंद किया गया, 57 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले। पंजाब में भी कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 2805 नए केस सामने आए, 45 मरीजों ने दम तोड़ा, 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू। गुजरात में प्रवेश करने वालों को लानी होगी आरटीपीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, 72 घंटों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट, गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर जानकारी दी, खुद को होम आइसोलेट किया। दिल्ली मेट्रो में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर 758 यात्रियों पर फाइन, फेस मास्क ठीक से नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर जुर्माना वसूला गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।